खान इन दोनों बेहद ज्यादा चर्चाओं में बने हुए हैं अपनी फिल्म भारत को लेकर, और दूसरी तरफ इन दिनों भारत से हटकर दबंग खान की चर्चाएं हो रही हैं पापा बनने को लेकर। नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस बेहद खास प्रोग्राम में। सलमान खान को लेकर हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आई है कि बड़ी खबर ये है कि जल्द ही दबंग खान सैरोगेसी के जरिए पिता बन सकते हैं। सलमान खान खुद इस बात का जल्द ऐलान कर सकते हैं। इस तरह की भी खबर रही है कि भाई अपने पापा बनने की खुशखबरी खुद सलमान खान जल्द देंगे। अब देखते हैं कि कब तक ये खबर वो देते हैं, लेकिन इन सबसे बड़े सलमान खान ने बातचीत की थी अपनी शादी को लेकर भी। जी हाँ, उन्होंने कहा था शादी का तो पता नहीं, लेकिन हाँ बच्चे जरूर चाहता हूँ, और एक बच्चे को माँ और पिता दोनों का प्यार चाहिए होता है। तो वहीं माँ के प्यार को लेकर सलमान खान ने ये कहा था कि उनके घर में बहुत सारे लोग हैं जो उस बच्चे का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। ये बात मैं भी मानता हूं कि माँ और पिता दोनों का प्यार बच्चे को चाहिए होता है, लेकिन मेरे घर में उससे ऐसी कोई भी कमी महसूस नहीं होगी। खैर, अब देखते हैं दबंग खान सलमान खान का आखिरकार क्या फाइनली फैसला रहता है। लेकिन इसी बीच आपको एक बेहद खास रिपोर्ट के जरिए रूबरू कराते हैं कि आखिरकार खुद दबंग सलमान खान अपने सैरोगेसी से पिता बनने को लेकर क्या सोचते हैं, और साथ ही क्या दबंग खान से जुड़ी इन दोनों खबर वायरल हो रही है। बॉलीवुड के दबंग खान और बॉलीवुड के भाईजान सलमान की शादी के बारे में तो कोई भी आइडिया नहीं है, नहीं लगता कि कब होगी उनकी शादी, कुछ नहीं पता किसी को। लेकिन इससे पहले उनके पिता बनने की खबर बेहद ज्यादा वायरल रही है। एक रिपोर्ट की मानी जाए तो सलमान खान सूत्रों के अनुसार ये खबर आ रही है कि सैरोगेसी के जरिए पिता बनने के बारे में विचार कर रहे हैं, सैरोगेसी के जरिए पिता बनने के बारे में सोच रहे हैं। अब अगर सलमान ऐसा वाकई में सोच रहे हैं तो ये उनके फैंस के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, क्योंकि हर किसी को भाईजान की शादी और फिर बच्चों का इंतजार था, लेकिन शादी का तो कुछ पता नहीं, लेकिन बच्चों का इंतजार शायद फैंस का खत्म हो सकता है। और दबंग खान सलमान खान अपने फैंस को जल्द ही एक बच्चे के रूप में तोहफा भी दे सकते हैं। आपको बता दें कि अब शादी के लिए तो वो विचार नहीं कर रहे हैं, तैयार नहीं हैं। ऐसे में अगर उनकी जिंदगी में बच्चे की एंट्री होती है तो एक बड़ी खुशखबरी होगी। सलमान से पहले तुषार, आमिर, शाहरुख, एकता, करण, सनी सैरोगेसी के जरिए अपनी जिंदगी में माँ बाप बनने की खुशी ला चुके हैं। खैर, वैसे भी सलमान बच्चों से कितना ज्यादा प्यार करते हैं ये बात किसी से भी छिपी नहीं। कई सारे मौके पर वो बच्चों के साथ मस्ती करते हुए नजर आते हैं, चाहे फार्म हाउस पर आहिल के साथ खेलना हो या फिर ट्यूबलाइट की प्रमोशन के दौरान अपने को स्टार मातिन के साथ मस्ती करना। सलमान बच्चों के आसपास रहना बेहद ज्यादा पसंद करते हैं, उनका यही कनेक्शन स्क्रीन पर भी दिखता है, तभी तो उनके फैंस में बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि सलमान एक बार मजाक में कह चुके हैं कि मैं अच्छा बेटा हूँ और अच्छा पिता बन सकता हूँ, लेकिन शायद मैं अच्छा पति नहीं बन पाऊंगा। लेकिन सलमान के फैंस को पूरा यकीन है कि वो एक अच्छे पिता बनेंगे, क्योंकि वो बच्चों को बखूबी समझते हैं, बच्चों को बखूबी संभालते हैं। इस बात का एग्जाम्पल फैंस को तब भी कई बार मिला है जब सलमान खान आहिल को प्यार करते हैं। खैर, अब खुशखबरी तो दे दी है दबंग खान सलमान खान ने सैरोगेसी के जरिए पिता बनने की। तो वहीं आपको याद दिलाना चाहेंगे कि आज फादर्स डे का मौका भी है, और सलमान खान जिनकी फिल्म ताबड़तोड़ कमाई कर रही है भारत, उस फिल्म से हटकर अब जल्द ही अगर सलमान खान ऑफिशियली खुद ही अनाउंस कर दें कि भाई वो सैरोगेसी के जरिए पिता बनने वाले हैं, तो इससे बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती है। खैर, देखते हैं कि आखिरकार कब तक सलमान खान अपने सैरोगेसी से पिता बनने की खुशखबरी देते हैं, क्योंकि फैंस तो यही आस लगाकर बैठे हैं कि जल्द ही सलमान खान पिता बनेंगे और खुशखबरी देंगे अपने तमाम फैंस को, साथ ही खुशखबरी देंगे कि भाई वो जल्द ही पापा बन रहे हैं। खैर, इन सबसे बड़े अब सलमान खान जल्द ही दबंग 3 में नजर आएंगे। इसकी शूटिंग जोरों शोरों से जहां चल रही है, जहां शूटिंग को लेकर तमाम खबरें आई, तो देखते हैं ये फिल्म उनकी कैसी होती है और पिता बनने का ऐलान कब वो करते हैं। खैर, ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट साइन न्यूज के साथ।
साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना कर सकें।